Hello dear, welcome to my new class business correspondence and reporting. तो आज की क्लास में यानी आज की आपकी BCR की क्लास में हम कौन सा चैप्टर कॉन्सर्न करेंगे बेटा जी, कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज? Yes, communication. As per the syllabus, chapter number 1, communication. Communication में हमें क्या पढ़ना है बेटा जी? देखिए, कम्युनिकेशन में आपको किन बातों को पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो आपका पेपर हो गया है वो सब्जेक्टिव मोड में आ गया है और ऑब्जेक्टिव मोड में भी है, बट हम यहां पर हमें जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, गो थ्रू करना है, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से करना है, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव, ज्यादातर जो पोर्शन है कम इसका BCR का वो सब्जेक्टिव में ही है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने देखा ही होगा लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट सेमेस्टर का, तो वहां आपको दिखा होगा कि ज्यादा रिटन पार्ट है, राइट? तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें जो तैयारी करनी है वो भी उसी तरीके से करनी है. ठीक है ना, अब हम टिकड़े मार के, मतलब टिक टिक कर करके पास नहीं हो सकते, हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, अच्छे से उसको गो थ्रू करना होगा. तो उसके हिसाब से हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए बेटा, कम्युनिकेशन इसमें हमें किन चीजों पर ध्यान देना है? सबसे पहले तो हम इस वर्ड कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया, किस जगह का वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें. तो हम कह सकते हैं इसका नेचर या इसका मीनिंग. ठीक है जी. दूसरा, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, प्रोसीजर क्या है कम्युनिकेशन का, यानी मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो वो किस तरीके से पहुंच रही है, वो तरीका क्या है, वो प्रोसेस क्या है. तीसरी चीज, कितने टाइप्स का होता है ये कम्युनिकेशन, यानी हमारे पास कितने तरीके के कम्युनिकेशन है और इस कम्युनिकेशन के कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं. बात समझ रहे बेटा जी? यानी अब हम जान रहे हैं कि कम्युनिकेशन में हमने चार चीजें पढ़नी है, नेचर पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है और उस कम्युनिकेशन का नेटवर्क पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कम्युनिकेशन वर्ड से. कम्युनिकेशन ये वर्ड जब आप देखते हैं बेटा जी, तो आपको सबसे पहला वर्ड क्या नजर आता है? कम्युनी. कम्युनी मतलब क्या होता है? कम्युनी मतलब क्या होता है? ये वर्ड आया कहां से हमारे पास डियर? ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, यानी ये वर्ड हमारे पास लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया. कम्युनिकेयर ये वर्ड कहां से आया? कम्युनिकेट, जो कि किसका है? लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट, जिसका अर्थ क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? टू शेयर, शेयर करना. अब क्या शेयर करना? जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, हम क्या करते हैं बेटा, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूं, तो बेसिकली मैं क्या कम्युनिकेट कर रही हूं, मैं शेयर कर रही हूं अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को आपसे. ठीक है, अब मेरा शेयर करने का तरीका क्या है, मैं किसके थ्रू शेयर कर रही हूं? बोल के और लिख के. ध्यान से समझेंगे बेटा, मेरा जैसे छोटे, जब आप छोटे होंगे तो हिंदी में पढ़ते होंगे भाषा, है ना, लिखित और मौखिक पढ़ते हैं ना, मौखिक भाषा जो बोली जाती है, लिखित भाषा जो लिख कर बताई जाती है, राइट? तो अभी मेरा कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, या मैं अपनी बात आपके साथ कैसे शेयर कर रही हूं, लिख वह बोल के, यानी जो मैं बोल रही हूं
वो मेरी कौन सी है, ओरल, ओरल कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन बेटा, ओरल कम्युनिकेशन। और जो मैं लिख रही हूं वो मेरी कम्युनिकेशन कौन सी है, रिटन कम्युनिकेशन। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं। बात समझ रहे बेटा, वेरी गुड। सो अब मैंने क्या कहा, शेयर, टू शेयर। अब ये मैंने क्या कहा, हम कैसे शेयर कर सकते हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइप्स टू शेयर आवर थॉट्स टू अनदर पर्सन, राइट। हम अपनी भाषा को, अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम यूज करते हैं, मैं बहुत ही हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आपको बता रही हूँ बेटा, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश समझने से पहले उसका हिंदी अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन लेकिन उसको जब तक मैं आपको आपकी भाषा में नहीं समझाऊंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं इंग्लिश में बिड़बड़ करके चली जाऊं, आपको समझ नहीं आए, तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि मैं जो बता रही हूं वो क्या है, वो तभी समझ में आएगा जब आप अपनी खुद की इस अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आप उसको समझेंगे। तो मैं इसीलिए बार बार हिंदी में समझा रही हूं कि जो भी मेरे विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है वह है कम्युनिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, वेरी गुड। सो हियर वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस की। जब मेरी बात आप तक पहुंची, तो उस बात को पहुंचाने के लिए, यानी एक है सेंडर, यानी मैं, और एक है रिसीवर, यानी आप, जिसको मैं अपनी बात, भाषा, अपनी विचार बता रही हूं। तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें, हम माध्यम बाद में डिस्कस करेंगे, वो टाइप्स में आएगा, पहले मुझे प्रोसेस बताना है। समझ रहे बेटा जी। तो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के प्रोसेस की, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बात समझ में आई बेटा। तो सबसे पहले कौन आया, सेंडर, जो मैंने अभी अभी बताया, सबसे पहले जिसके विचार कहां तक जाएंगे, बिल्कुल रिसीवर तक जाएंगे। तो सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, मेरा, मैं क्या भेजना चाह रही हूं, सेंडर क्या भेज रहा है, मैसेज जो मुझे रिसीवर को देनी है। अब ये मैसेज क्या होगा बेटा जी, इनकोड होगा, इनकोडिंग, राइट। अब मेरे जो मन की, अब मेरी बात समझिएगा, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, मेरे दिमाग में कोई बात आई, मैं आप सब कहना चाहती हूं, तो इनकोडिंग क्या है, यह जो मेरे वर्ड्स, या मैं आपको कुछ लिख कर बता रही हूं, किसी पिक्चर के थ्रू बता रही हूं, किसी सिंबल के थ्रू बता रही हूं, अपने हाव भाव से बता रही हूं कि मैं बहुत खुश हूं, या मैं बहुत गुस्सा हूं, या मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगी या मानूंगी, ये जो मेरे वर्ड्स हैं, मेरे भाव हैं, मेरे बताने का तरीका है, या मेरे समझाने का कोई उद्देश्य है, राइट। मैं किसी पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ, कोई वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, किसी ऑडियो के थ्रू बता रही हूँ, ये होती है इनकोडिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, सिंबल, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो इज कॉल्ड इनकोडिंग। अग्रीड विद माय वर्ड्स, ओके। सो द नेक्स्ट कंटेंट इज चैनल। The channel is a part who, वो कौन है जो मेरी बात से आप तक इस मैसेज को पहुंचा रहा है। अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बोल के पहुंचा रही हूं तो मेरी स्पीच मेरा चैनल है, मैं लिख कर पहुंचा रही हूं लेटर के थ्रू तो वो मेरा चैनल है, मैंने ईमेल के थ्रू आपको कोई मैसेज भेजा
तो ईमेल मेरा चैनल है, मैंने फोन पे मैसेज के थ्रू भेजा तो वो मेरा चैनल है, या मैंने कोई साउंड या कोई मेरा फेस गेस्चर जो वो मेरा चैनल हो गया। तो जिसके थ्रू आप तक बात पहुंच रही है, ईमेल और व्हाट्सएप की क्लिप, ठीक है, या व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, ऑडियो भेज रही हूँ, तो व्हाट्सएप क्या हो गया, मेरा चैनल हो गया। मीडियम थ्रू विच मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड चैनल। बहुत सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट, दिस इनकोडिंग पार्ट गोज टू चैनल। बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब ये चैनल ने मेरी मैसेज किसको दी, जिसको मुझे पहुंचानी थी, यानी मेरा रिसीवर। बात समझ में आई बेटा जी? वेरी गुड। तो अब सेम प्रोसेस होगा। अब अगर वो मुझे, रिसीवर मुझे फीडबैक देगा उसी चैनल के थ्रू, उसी तरीके से, तो वो क्या आएगा? बिल्कुल, रिसीवर से फीडबैक आया सेम चैनल के थ्रू, और वो मुझे मिला, तो ये क्या है बेटा? यह प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो सिंपली, बिल्कुल हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये क्या है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए दूसरे व्यक्ति से जो माध्यम अपनाता है, और उस माध्यम का जो प्रोसीजर है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। अब बेटा जी, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन से होते हैं, तो बैरियर्स बेटा बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली उस बैरियर को हम कहते हैं नॉइस। अगर इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई बैरियर होगा तो क्या बैरियर होगा? नॉइस। उसको हम क्या कहेंगे? नॉइस। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, ठीक है, या प्रॉपरली कोई मिस्टेक है, राइट? तो ऐसे हम उसको हम क्या कहेंगे बेटा जी? नॉइस। क्लियर है बात यहां पे? चलो जी। सो ये है डियर, मैंने क्या समझाया आपको, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है बात यहां पे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम क्या समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से, क्या होता क्या है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? बेटा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, हमारे पास वर्बल चैनल है, नॉन वर्बल चैनल है, विजुअल चैनल है और ऑटो विजुअल चैनल है। वर्बल चैनल, नॉन वर्बल चैनल, विजुअल एंड ऑटो विजुअल। अब ये जो वर्बल है, वर्बल मतलब क्या है बेटा जी? वर्बल में हमारे पास कितने आ जाते हैं? ओरल एंड रिटन, ओरल एंड रिटन। ओरल, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूं ये वर्बल के अंदर आ रही है, जिसमें मैं लिख और बोल दोनों रही हूं, ये वर्बल चैनल है मेरा कम्युनिकेशन का, ठीक है जी, जहां पे मैं बोल और लिख दोनों रही हूं, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल चैनल्स कौन से होते हैं बेटा जी? जहां पर हम
कुछ बोलते नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यानी कोई गुस्सा, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, या हम किसी को हिट कर रहे हैं, तो इसके थ्रू पैरा लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं, यानी हमारी क्वालिटी ऑफ वॉइस, क्वालिटी ऑफ पिच, टोन, ठीक है, अपीयरेंस क्या है हमारी, हम किस तरीके से हम इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं, किसी सिंबल से, यानी रिलीजियस स्टेटस से, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं, बिल्कुल नॉन वर्बल के अंदर आती है। विजुअल क्या होता है, जहां पे हम किसी ड्राइंग या ग्राफिक डिजाइनिंग या साइन, या फिर कह सकते हैं किसी कलर, रेड कलर जनरली खतरे का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है, वो हम दिखाएं, तो वो विजुअल होता है। अब आप इस स्क्रीन पे जो चीज देख रहे हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन है, जो देखी जा रही है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू, जो रीइंफोर्स कर रहा हो रिटन कम्युनिकेशन को, तो वो भी विजुअल के अंदर आता है, जैसे इसको हम देख के समझते हैं, ठीक है। अब है ऑटो विजुअल। ऑटो विजुअल क्या होता है बेटा, जहां पे हम कह सकते हैं लाइक रेडियो इज ऑटो मीडियम व्हाइल टेलीविजन इज ऑटो विजुअल, ठीक है, रेडियो में जहां पे सिर्फ हमें सुनाई दे रहा है, जबकि टेलीविजन में वो क्या है, ऑडियो विजुअल है। रेडियो इज अ ऑडियो मीडियम ओनली, बट टेलीविजन इज अ ऑडियो विजुअल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये ऑटो विजुअल के अंदर आते हैं, ठीक है, जहां पे हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके अंदर क्या चीज आ गई, अगर हम बात कर रहे हैं रेडियो की, तो वो सिर्फ क्या है, ऑडियो कम्युनिकेशन और ऑडियो मीडियम भी कह सकते हैं, और जब हम बात कर रहे हैं टीवी की, तो वो क्या है, ऑडियो विजुअल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो था जी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, जहां पे हम किसी भी पार्ट को ऑन द बेसिस ऑफ चैनल कम्युनिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। तो बेटा जी, यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जनरल सी बात है, आप जिस तरीके से अपने घर में मम्मी पापा से बात करते होंगे, उस तरीके से क्लास में टीचर से बात नहीं करते होंगे, या आप अपने ऑफिस में जो वर्किंग है, आर्टिकलशिप में है बच्चे, तो वो जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, अभी तो फाउंडेशन में बेटा जी, राइट, या कुछ बच्चे हो सकता है किसी कारणवश जॉब कर रहे हो, तो वो वहां पे उस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो ये एक तो होता है हमारा फॉर्मल तरीका और एक होता है इनफॉर्मल तरीका। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा जी, जो हम ऑफिशियल मैनर में करते हैं, ठीक है। अब ऑफिशियल मैनर में अगर हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मल अपने मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, गॉसिप्स जो होती हैं, ठीक है, लाइक ग्रेपवाइन, तो ये जो होती हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। आप अपने फ्रेंड से गॉसिप्स कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल में आ रही है, और वहीं आप अपने मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई आपका फ्रेंड है आपके ऑफिस में, आपके साथ कलीग है, तो जब वो वहां पे फॉर्मल ऑफिस रिलेटेड बातें हो रही हैं तो वो फॉर्मल बातें हैं, वही वही फ्रेंड जब घर पे आके आपके साथ गॉसिप्स करेगा तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट डियर। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे डियर, आज की क्लास में हम इतना ही ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा जो रिटन पार्ट है उसका मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा समझाऊंगी और लिखवाऊंगी, राइट डियर, ओके, बाय बाय।